सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज अपने फ्रेंड्स के साथ हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के भीमा शंकर में स्थित है, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये देखिए बस तैयारी जा रही है यहाँ से। अब सभी हम 5 फ्रेंड्स हैं जो कि हम निकल रहे हैं, तो अब ब्लॉग में बने रहिए। देखिए हम फिर मस्ती करते हुए अपना पहुंचते हैं भोले बाबा के द्वार। और आज सोमवार भी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज वैसे भी अच्छा दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो वहीं तो हम जा रहे हैं। और ये हमारी सेकंड ट्रिप है सभी दोस्तों की, जो भी हम कर रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, हम निकल चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। और देखिए अभी तो पूरा अंधेरा है। हम यहाँ से 4 बजे निकले थे पुणे से। मैं पुणे के बावधान एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ से हम निकले हैं। तो देखिए 2-3 घंटे का सफ़र है, तो अभी तो पूरा अंधेरा हो रखा है, अभी ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है। बस हम लोग ये हैं कि चल रहे हैं, और ज़्यादा अभी तो ट्रैफिक भी नहीं है, तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो अब यही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, थोड़ा आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे उजाला हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर में हम भीमा शंकर पहुँच जाएंगे, हम बिल्कुल पहाड़ों में हैं। और ये देखिए उजाला हो गया, और सामने अब पहाड़ ही पहाड़ है। अब हम पुणे से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर भीमा शंकर है, तो अब हम पहुँचने ही वाले, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहाड़ों पे आ चुके हैं हम। और बिल्कुल देखो पहाड़ों पे रास्ते कैसे होते हैं, बिल्कुल सतर्की से गाड़ी चलानी होती है। कोई नया बंदा तो पहाड़ में चला ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हमारा एक दोस्त है जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, तो इसीलिए हमने उसको साथ ले लिया कि हाँ भाई, ताकि सेफली हम जा सकें वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए उजाला हो चुका है, और बड़ा ही अच्छा नज़ारा होता है पहाड़ों का, और वेस्टर्न घाट का तो अलग ही नज़ारा होता है। यहाँ पर बर्फ़ नहीं होती, लेकिन बहुत ही ग्रीनरी होती है, तो अलग ही मज़ा है यहाँ का। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं। अब ये रास्ता आ चुका है, अब हम एंटर कर चुके हैं भीमा शंकर एरिया में, जो भी है ज्योतिर्लिंग के एरिया। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से पेड़ हैं, और बीच में से रोड जा रही है। बड़ा ही अमेजिंग नेचर है यहाँ का, और ये देख सकते हैं। जियो का है, वीआई का भी होगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं भीमा शंकर मंदिर। तो फ्रेंड्स, गाड़ी की पार्किंग करके अब हम यहाँ से फूल माला ले ले रहे हैं, और प्रसाद है सब कुछ यहाँ पे। अब हमने ले लिया है फूल माला प्रसाद, और अब हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और नीचे तो यहाँ से नीचे उतरना है, क्योंकि और सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे उतरनी पड़ती है। तो हम लोग आ गए, हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और सारे दोस्तों ने फूल वाला सब कुछ ले लिया। तो चलिए और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो कि और नीचे जाके हैं, भीमा शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है नीचे। तो साइड में दोनों तरफ दुकानें हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रसाद माला फूल ये सब मिलता है यहाँ पे। तो और नीचे जाना है हमें, तो यहाँ पे देखिए एक बैरिकेड टाइप का लगा रखा है साइड साइड से। अब हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आज भीड़ बहुत कम है, वैसे जनरली मंडे को भीड़ रहती है, तो अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बट बाहर हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच के, देखिए एक त्रिशूल है बड़ा सा यहाँ पे किसी ने लगवाया है, और
ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। और मंदिर तो भाई वो तो है ही। तो मैं पहली बार भीमा शंकर आया था और थोड़ी फ़ोटो क्लिक करवाई हमने सारे फ्रेंड्स ने। उसके बाद हम थोड़ा ये एग्ज़िट है इधर से निकल रहे हैं हम अब बाहर, और यहाँ से अब हम निकलेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। और यहाँ से अब थोड़ी देर में एक दो फ़ोटो क्लिक करवा के निकलेंगे घर। तो यहाँ पे एक ढाबा था, उसमें हमने आलू के पराठे खाए जो कि ठीक थे, उतना जैसे बढ़िया नहीं था, अब ढाबे में तो नॉर्मल ही मिलेगा। उसके बाद खा पी के हम यहाँ से निकल गए अपने घर की ओर, क्योंकि हमारा फ्लैट है बावधान में, तो वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।